नाउ क्वेश्चन इज द चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट 0 0 माइनस एंड 0 0 ए रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट 0 0 माइनस ए एंड 0 0 प्लस ए रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट, आपसे पूछा जा रहा है। नंबर वन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 0 0 z एंड xy 0, 0 0 z एंड xy 0। पहला क्वेश्चन ये। सेकंड ये कह रहे हैं ऑब्टेन द डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन वेयर आर इज मच ग्रेटर देन पी। और थर्ड है, चलिए वो बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 z एंड xy 0। क्लियर? कैसे होगा बताइए। यस, सबसे पहले हमें निकालना है डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आपके हाथ में आ जाए उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे इसकी कैलकुलेशन। लेकिन सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा कि वास्तविकता में कंडीशन क्या है। तो लेट सपोज, क्योंकि चार्ज पार्टिकल रखा है जेड एक्सिस पर, तो मैंने जो डायरेक्शन ले रहा हूँ वो जेड की ले रहा हूँ। दिस एक्स इज एक्स, दिस इज जेड, दिस वन इज वाई। नाउ द चार्ज इज एट पॉइंट दिस, यहां पर रखा है प्लस क्यू। पॉइंट है ये 0 0 a, ये डिस्टेंस हो गया यहां से ओ से लेकर ए तक का, दिस पॉइंट इज ए। सेकेंड इन्होंने कहा भाई, सेकेंड चार्ज रखा हुआ है माइनस पर, तो कहीं यहां पर रखा है माइनस क्यू, यह है 0 0 माइनस ए, दिस डिस्टेंस इज। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 z। एक तो आपको निकालना है यहां पर 0 0 z पर, और दूसरा निकालना है xy 0 पर, यहां पर xy। फाइंड आउट एट दिस पॉइंट, दिस इज एक्स वाई एंड जीरो, मीन्स वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट इज xy 0, तो जेड एक्सिस की वैल्यू यहां पर 0 होगी। तो आपको दो पॉइंट्स पर निकालना है, एक यहां पर और एक नीचे। कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट आएगा कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पहले हम जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं यहां पर, एक तरह से ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, ये जेड एक्सिस है, एक्स लाइन, बिल्कुल सही, क्योंकि माइनस भी जेड पर है, प्लस भी जेड पर है, और ये डिस्टेंस भी जेड पर है। तो इसको मैं अलग से बना देता हूं, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो गया आपका, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड दिस वन इज पॉइंट जेड, ये सेंटर डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का निकल रहा है, ये डिस्टेंस है जेड। तो ए और बी से आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस कितना हुआ प्लस क्यू से, जेड माइनस ए, क्योंकि इसका पोजीशन था ए और इसकी पोजीशन थी माइनस ए, यहां से आगे। तो वी वन कितना हो जाएगा, वी वन बिकम्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस हो गया जेड माइनस ए। सिमिलरली वी टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड प्लस ए। नाउ फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल, द नेट पोटेंशियल इज वी, दिस इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू एंड दिस कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन जेड प्लस ए। नाउ सॉल्व दिस एंड यू गेट द फाइनल रिजल्ट। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, और फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सेम एक्सेल वाला, दैट इज वी इज इक्वल्स टू टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा फर्स्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द पॉइंट 0 0 जेड। अब बात करते हैं एक्स वाई जीरो पर, एक्स वाई जीरो पर क्या आएगा, बिल्कुल सही, ये हो गया इक्विटोरियल। कैसे, देखो ये जेड एक्सिस है, इससे हम एक्स वाई प्लेन पे ऊपर किधर जा रहे हैं, सो दिस इज इक्विटोरियल। क्वेश्चन को समझना होता है बस, और कुछ नहीं है, ये इक्विटोरियल का होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। कैन आई रेज दिस, नेक्स्ट आया इक्वेटोरियल का, आपका एक चार्ज रखा है यहां पर, ये है 0 0 माइनस ए पर, चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू। यहां रखा है 0 0 ए पर, चार्ज की वैल्यू है क्यू। इन्होंने कहा जी एक्स वाई प्लेन पर हमारा जो पॉइंट है वो यहां पर है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई जीरो। नाउ दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, प्लेन डिफरेंट हो गया बेटा, यहां से देखोगे प्लेन डिफरेंट हो गया, ये जेड एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन आ गया, इसमें एक्स इधर है वाई इधर है, तो जो पॉइंट है आपका वो एक्स वाई प्लेन पर है, सॉरी ये हो गया जेड एक्स जेड एक्स वाई, पॉइंट है यहां पर इक्विटोरियल लाइन पे, यस इक्विटोरियल लाइन पे है ये, लेकिन यहां पर हमें डिस्टेंस चाहिए ओपी विच इज आर, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालना है आर कितना है, तो आर कितना होगा जयेश, जयेश बताएगा, जयेश व्हाट इज दिस आर, मैंने अभी भी बोला कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं मुझे आंसर बता देना, नहीं तो मैं ऑनलाइन से कब ऑफलाइन होऊंगा पता नहीं है मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर, आर तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में तो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में क्या आएगी। हाँ ये एक्स है, ये वाई है, जेड की बताओ, आर की,
तो फिर ये देखिए, क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो हमने क्या किया, एक इस तरह से स्क्वायर बनाया। ये डिस्टेंस एक्स और वाई एक्स इसका वाई, तो आर हमेशा कितना होगा, आर इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस हमारे पास है जेड ए, सॉरी, हमें ये चाहिएगा इक्विटोरियल के लिए। तो फाइंड आउट दिस, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो द डिस्टेंस AP दैट इज इक्वल्स टू BP, दिस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ फाइंड आउट इक्विपोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू होगी V, दिस इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू, एक बार तो आ गया माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह हमने वैल्यू रखी आर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड चार्ज जो प्लस क्यू है उसके कारण क्या होगा, V2 दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर क्या आया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम 0.500 टू -700, इसी में पूछा गया है। इसको रिलेस कर दूं यहां से, अब इसी में आगे क्या पूछा गया है वो क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, एक नंबर में कई बार पूछा गया है, 1 मार्क्स में कई बार आया ये, कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल चार्ज फ्रॉम 500 टू -700। इस पॉइंट पर अगर किसी पॉइंट चार्ज को मूव कराया जाए तो वर्क डन कितना होगा, मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा जिससे आप लोगों को इजी हो जाएगा। 500 किस पॉइंट पर आएगा, एक्स एक्सिस पर, और 700 भी एक्स एक्सिस पर आएगा। इट मींस 500 तो होगा लगभग यहां पर, मान लीजिए 500 और -7, वो यहां आ गया -700। एक चार्ज पार्टिकल लिया कोई भी स्मॉल चार्ज क्यू, उसको यहां से यहां तक लेके आने में वर्क डन कितना करना पड़ा, अब वो निकालना ए पॉइंट से, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लाने में। व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज द डिस्प्ले से चार्ज फ्रॉम पी पॉइंट टू क्यू पॉइंट। यस, एनीवन हैव द आंसर, जीरो क्यों, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए जेड एक्सिस है ये वाला जिस पे चार्ज रखे हुए हैं, ये पॉइंट जो रखा है ये भी जेड एक्सिस पर है, ये भी जेड एक्सिस पर है।
और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस पर यानी इक्वेटोरियल लाइन पर। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं हेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल चार्ज चार्ज क्यू इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, जहां पर पोटेंशियल हर जगह जीरो होगा, वी इक्वल्स टू जीरो। वो यहां पर भी जीरो है वीपी पर, वो वी क्यू पर भी जीरो है। हमने क्या पढ़ा है, डब्ल्यू पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू वीपी माइनस वी क्यू माइनस वीपी अपॉन क्यू। अब डब्ल्यू निकालना है तो इस क्यू की मल्टीप्लाई यहां करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों क्योंकि जीरो है इट मीन्स वर्कडन इज ऑल्सो जीरो जूल। पोटेंशियल अगर सेम होगा तो वर्कडन भी सेम, वर्कडन जीरो होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी हम लोगों ने पढ़ा। यहां पर हमने देखा इक्विटोरियल लाइन पर अगर चार्ज मूव करा रहे हैं तो वर्तन जीरो होगा। इस चीज को माइंड में ध्यान से रखना कि अगर इक्विटोरियल लाइन पर कोई भी चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो हमारा वर्तन हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम्स नोट भी करना, ये कहते हैं ए स्मॉल मेटल स्फेयर कैरिंग ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज सिक्स पॉइंट फाइव माइक्रो कूलम्ब। सिक्स पॉइंट फाइव माइक्रो कूलम्ब आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है। इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। आपको पता चल रहा है बेटा मेटल स्फीयर है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर फिक्स कर दिया गया है और उसके ऊपर चार्ज है 6.5 माइक्रो कूलम्ब। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ चार्ज, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ चार्ज, कितना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, एनी वन कितना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन नहीं कोई और, नहीं चार्ज इज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन यानी 3.2 × 10⁻⁹ −19 कूलम। अल्फा पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस 3.2 × 10⁻⁹ −19 कूलम इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए रेडियल पाथ, इज प्रोजेक्टेड अलोंग रेडियल पाथ टूवर्ड्स द स्फीयर। Towards the sphere, when the alpha particle is
1 meter from the center of sphere. When alpha particle is at 1 meter from center of sphere, it has speed 5.4 into 10 to the power of 5 meter per second. It has speed of 5.4 into 10 raised to the power minus, sorry, 10 raised to the power 5 meter per second. How close to the sphere does the particle get? How close to the sphere does the particle get? ये आपका क्वेश्चन है। हमें निकालना है अल्फा पार्टिकल कितने पास तक पहुंचेगा। रेडियल पाथ मतलब वो सेंटर की तरफ आने वाले पाथ को हम हमेशा रेडियल पाथ कहते हैं। यहां पर ट्रेजेक्टरी जो बनती है वो अगर ये इस तरह से पार्टिकल है तो स्फीयर है तो स्फीयर के पास ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, ये रेडियली तो कहलाता है। 1 मीटर का आ रहा है। देखो क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस किस को क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो ध्यान से देखो। ए स्मॉल मेटल स्फीयर, ये कह रहे हैं ये मेटल स्फेयर हो गया और इस मेटल स्फेयर को फिक्स कर दिया एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, ठीक है। कैरिंग ए नेट चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है 6.5 माइक्रो कूलम। इज हेल्ड फिक्स इंसुलेटिंग स्टैंड अल्फा पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस इज प्रोजेक्टेड अलोंग द रेडियल पार्ट टुवर्ड्स द स्फेयर। ये यहां से कहीं से इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। जब ये प्रोजेक्ट किया, ये अल्फा पार्टिकल है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे इसके पास आएगा, यहां पर भी चार्ज कैसा है पॉजिटिव, यहां पर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती चलेगी। अगर यहां वेलोसिटी वी है, हमने देखा 1 मीटर की दूरी पर कितनी दे रखी थी, एट 1 मीटर इसकी वेलोसिटी कितनी थी मैंने, वी इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और यहां से आगे चलेगा धीरे धीरे करके और कम होगी, जिस पर रिपल्शन के कारण मान लीजिए इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, तभी तो मिनिमम क्लोजेस्ट आएगा। आपको ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर अल्फा पार्टिकल पर कौन सी एनर्जी है जहां से वो छोड़ा गया था, जब हमने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया छोड़ा, तो उसके ऊपर केवल एक एनर्जी है, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है यहां पर उसके पास, काइनेटिक, कितनी है वो होगी हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी वी थी। अब जैसे जैसे वो इसके पास आएगा, इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी और इस पॉइंट पी पर इसके पास दोनों एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और इस कंडीशन को मैं कहता हूँ इनिशियल कंडीशन, क्योंकि आपको गिवन 1 मीटर पे है। इन्होंने कहा एट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर चार्ज इतना और उसकी वेलोसिटी है इतनी, ये इनिशियल कंडीशन भी हुई। सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन पर यहां पर जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो कौन सी एनर्जी होगी? केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल होगा। तो वैसे तो हम लोगों ने इस टाइप का कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन ध्यान से देखो ये सब किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर यूज हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, आप लोगों के माइंड में जो रहता है ना पीछे का कुछ नहीं, तो पीछे का ये आ गया एनर्जी कंजर्वेशन यहां लग रहा है। इनिशियली हम कहां पर है, काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर, इनिशियल पर, इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वी स्क्वायर, वी आई स्क्वायर कर दिया मैंने जो हमें गिवन है। ठीक है बेटा, और आपको यहां पे निकालना क्या है, हमें निकालना है आर एफ। सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो आप क्या करेंगे क्यू वन, लाइक दिस इज क्यू वन, दिस वन इज क्यू टू अल्फा पार्टिकल, तो क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, जीरो, प्लस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एफ, और ये आर एफ ही आपको निकालना है, 1 का स्क्वायर ही होगा, सॉरी क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड हेयर आर एफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस आर एफ, आपको ये आर एफ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अपॉन आर एफ यू जाएगा 1 अपॉन आर एफ, दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू वन क्यू टू 1/2 एम वी वन वी इनिशियल स्क्वायर प्लस क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई या वन। बेटा ऐसे सॉल्व कर दो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आर एफ यानी फाइनल डिस्टेंस। कोई डाउट? एक डाउट होगा जरूर, व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि यहां पर मास और आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? डबल ऑफ, नहीं, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। याद रखो चार्ज होता है डबल ऑफ प्रोटॉन अल्फा का, मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली हीलियम। हीलियम वर्ड किसने बोला था? हीलियम किसने बोला था? चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस डालने वाला हूं, और कल तक उन सब के सॉल्यूशन आपसे चाहिए बिफोर दिस क्लास,
जिसकी कोई प्रॉब्लम होगी वहीं पे मेंशन कर देगा, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डालने हैं। क्लियर? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ 5 न्यूमेरिकल्स, तो वो तो अब तक आज तक किसी ने दिए नहीं, आज मैं देने वाला हूँ आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे। आप कल तक लेक्चर से पहले जिसकी जो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम अपने डाल देना, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सबको ये डालना है कि ये मेरा सॉल्यूशन, मीन सॉल्यूशन आपको पोस्ट करना है उसपे, और जिसकी जो प्रॉब्लम है उस सॉल्यूशन के साथ ही लिख देगा नीचे की तरफ, डाल देंगे कि सर दिस 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 इज माई प्रॉब्लम। क्लियर? तो अब आज यहीं तक, कल आपके सॉल्यूशंस, आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, अपनी तरफ से नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हम चलेंगे कैपेसिटेंस पर। गुड बाय एंड गुड लक।